हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स का सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसका नाम है द इंडियन पार्लियामेंट। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। और इससे पहले मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं, और सिविक्स का भी फर्स्ट चैप्टर एंड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं। अगर वो आप नहीं देखो तो वो भी आप देख लो, ठीक है? तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो फर्स्ट क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट है, कैंडिडेट टू द लोकसभा आर इलेक्टेड थ्रू डैश। तो आपका आंसर देखो ये रहेगा ए, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये आपका आंसर रहेगा ए, ठीक है? ये आपको यहां पे लिखना है। सेकेंड है, इंडियाज डैश इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, वाइस प्रेसिडेंट, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। अभी आगे देखते हैं, फाइंड एंड राइट। इसमें क्या है, फर्स्ट मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज डैश। तो इसका आंसर क्या है, इसका रहेगा आंसर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज, ठीक है? तो सेकंड देखते हैं क्या है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉज इज विद डैश। तो इसका आंसर रहेगा पार्लियामेंट, ठीक है? अभी आगे देखते हैं क्या है, एक्सप्लेन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रीजंस। फर्स्ट क्या है, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। इसका आंसर देखो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका आंसर है। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व कंप्लीटली। सेकंड है, वन थर्ड ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा हु हैव कंप्लीटेड देयर टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स एंड इक्वल नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स गेट इलेक्टेड, ठीक है? अभी थर्ड पॉइंट है, एस लिमिटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर स्टेप बाय स्टेप एंड राज्यसभा फंक्शन स्मूथली। लास्ट है, देयरफॉर राज्यसभा इज कॉल्ड अ इज कॉल्ड एज परमानेंट हाउस, ठीक है? तो यहां पे आंसर कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड है लोकसभा इज नोन एज द फर्स्ट हाउस, ठीक है? इसका आंसर देखो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका आंसर है। इसमें फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, लोकसभा इज द लोअर एंड फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट रहेगा, लोकसभा इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, हेंस। उसके बाद लास्ट में क्या रहेगा, हेंस द लोकसभा इज कॉल्ड द फर्स्ट हाउस, ठीक है? तो यहां पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड्स। इसमें फर्स्ट क्या है, हाउ आर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड। तो इसका देखो आंसर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका आंसर है। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सेकंड पॉइंट है, द टेन्योर ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर्स। थर्ड पॉइंट है, द इलेक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। तो यहां पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका आंसर देखो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका आंसर है। द फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, द स्पीकर हैज टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ लोकसभा इन एन अनबायस्ड मैनर। द स्पीकर टेक्स केयर, सेकंड पॉइंट है, द स्पीकर टेक्स केयर ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। थर्ड पॉइंट है, द स्पीकर हैज टू मेंटेन द डेकोरम एंड डिग्निटी ऑफ लोकसभा एज वेल एज इंटरप्रेट द रूल्स एंड डेली फंक्शनिंग एंड वर्किंग ऑफ लोकसभा, ठीक है? तो यहां पे हमारे आंसर कंप्लीट हो गया है। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है, नेक्स्ट है आपका लास्ट, ये लास्ट है फिफ्थ, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर भी देखो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका आंसर है। तो देखो इसमें पहला पॉइंट क्या रहेगा, द बिल हैज टू अंडरगो द फॉलोइंग प्रोसेस इन इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ और एन एक्ट। फर्स्ट उसमें जो रहेगा क्या है, फर्स्ट रीडिंग। उसमें द बिल इज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड इट्स स्ट्रक्चर इज ब्रीफली एक्सप्लेन्ड। सेकेंड उसमें रहेगा सेकेंड रीडिंग। उसमें आपका जो फर्स्ट रहेगा वो है, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेज, देर आर टू स्टेजेस ऑफ सेकेंड रीडिंग। बी है, इन द फर्स्ट स्टेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज बिल आर डिस्कस्ड एंड मेंबर ऑफ द हाउस एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन इट। सी रहेगा, इन द सेकेंड स्टेज द रीडिंग बिगेन्स, द बिल इज डिस्कस्ड क्लॉज बाई क्लॉज, मेंबर कैन सजेस्ट चेंजेस आफ्टर दिस वोटिंग इज डन। फिर थर्ड है, थर्ड रीडिंग में क्या आएगा, द बिल इज ब्रीफली डिस्कस्ड इन द थर्ड रीडिंग, वोटिंग इज डन फॉर अप्रूवल ऑफ द बिल, आफ्टर द फाइनल एसेंट एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल इज कन्वर्टेड इन टू लॉ, ठीक है? तो यहां पे हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है? अभी अगले वीडियो में मैं आपको थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दूंगा, जिसका नाम है द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।